हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संतोष पानो एंड आई एम बैक विद माय न्यू सेशन, द सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो हमें क्या दिख रहा है, देखिए कि लाथा वर्क्स हार्ड लेस्ट शी मे फेल। तो आपको एक चीज़ यहाँ से दिमाग में रखनी है कि जो हमारा लेस्ट है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड के साथ जोड़ा बनाता है, और ये लेस्ट कौन सी फीलिंग देता है, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। जैसे हम जनरली अपने घरों में बात करते हैं, ध्यान से चलो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम गिर जाओ, तो उसको हम बोलेंगे वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। पढ़ाई करो, ऐसा ना हो कहीं तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम। सो सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर भी है। तो आपको एरर कहाँ पे निकालनी है बच्चे, आपको एरर निकालनी है कौन से पार्ट में, कि यहाँ पर जो मे है इसकी जगह पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का इस्तेमाल होगा। काफ़ी बार ये बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर गाइज, CPO एग्ज़ाम का पेपर है ये जो मैं भी डिस्कस आपसे कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड अटेंड योर मैरिज। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें बच्चे, तो जो हमारी एरर है वो क्या है, ठीक है, हमने टेंस का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने टेंस की एक सीक्वेंस पढ़ी हुई है कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में है तो आगे हम सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल फ्यूचर की तरफ जाते हैं। ठीक वैसे ही सीक्वेंस यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है बच्चे, हैड इन्वाइटेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आगे वाले पार्ट में भी रिक्वायरमेंट है हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो कैसे ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, हैव लगाओ बीच में, वुड हैव अटेंडेड, वुड को पढ़ेंगे पास्ट, हैव प्लस अटेंडेड को पढ़ेंगे परफेक्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और यही सेंटेंस की एरर है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। नो सूनर हैड द टॉक्स फेल्ड व्हेन द वॉर बिगेन। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, तो कंजंक्शन के चैप्टर में ये जानकारी हम लेते हैं कि भाई नो सूनर जो है वो हमेशा जोड़ा बनाता है देन के साथ, और देन भी कौन सा होगा बच्चे, THEN। अगर वो किसी सेंटेंस में THEN कर देगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा नो सूनर जोड़ा बनाता है देन के साथ, सबसे पहले ये हमें एरर निकालनी है। दूसरा तरीका इसमें होता है इन्वर्जन। जब नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आगे इन्वर्जन आएगा। तो आप देखिए इन्वर्जन इसने लगा रखा है, इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो देखिए हैड पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। क्लियर गाइज, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैड ही कम टू द ऑफिस दैट डे ही वुड नो दैट ही वॉज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड ऑन प्रमोशन टू द रीजनल ऑफिस। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो हैड ही कम, फिर से हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो आगे वाले पार्ट में भी हमें क्या चाहिए होगा, पास्ट परफेक्ट। हैड ही कम टू द ऑफिस, ये पास्ट परफेक्ट है हमारा, तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है। क्लियर, तो आपको एरर कहाँ से करनी पड़ेगी इसमें, यहाँ पर आप करोगे वुड हैव नोन, क्या कर दोगे बच्चे, वुड हैव नोन, और यही इस पार्ट की एरर है। क्लियर गाइस, तो इसको यहाँ से ठीक कर लेंगे, वुड हैव नोन। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ही वॉज अक्यूज फॉर स्टीलिंग अ वॉच। इस सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, अक्यूज फॉर दे रखा है बच्चे। आपको एरर निकालनी है कि अक्यूज फॉर नहीं होता, अक्यूज ऑफ होता है। आरोप जब लगते हैं तो हम उसके अक्यूज बनते हैं, राइट। तो ये आपका हो जाएगा एरर जो है वो फॉर प्रेपोजिशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिवोक द पनिशमेंट रिकमेंडेड फॉर हिम फॉर द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द कॉलेज अनटिल ही डज नॉट अपोलोजाइज फॉर हिज मिसबिहेवियर। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर अनटिल का इस्तेमाल किया गया है, और अगर ये अनटिल है तो आगे वाले पार्ट में नोट भी लगा है, और दो नेगेटिव शब्द कभी भी हम इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या यूज़ कर सकते हो वो देखिए, या तो आप इफ़ कंडीशन यूज़ करिए और आगे की बात जो है वो नेगेटिव रख लीजिए, ठीक है, इफ प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू, या आप यूज़ करिए अनटिल, या फिर यूज़ करिए अनलेस, बट आगे वाली बात हमेशा कैसी रखिए, पॉजिटिव। ये समीकरण आपको याद करना है मैथ्स की तरह, ठीक है।
इफ़ प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू अनटिल या अनलेस प्लस पॉजिटिव। तो आपकी जो एरर है वो कौन से पार्ट में है बच्चे, अनटिल यहाँ पे दे रखा है तो नोट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यही आपकी एरर है। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, पूरा डज नोट हटा देंगे यहाँ से और ही अपोलोजाइजेज एस यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, प्रिंसिपल फॉरबिड अस नॉट टू यूज़ द एंटायर सेंट्रल होल। बेटा सेम एरर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, जब मना कर दिया तो ना तो उसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। पूरी इंग्लिश में दो नेगेटिव शब्द कभी भी इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे, यही आपकी एरर है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बच्चे जब जब हम बात करते हैं, एक हमारा होता है टू प्लस वी वन, एक तो हम बात करते हैं टू प्लस वी वन की। ओके, जब हम टू प्लस वी वन की बात करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, इन्फिनिटिव बनता है, वो हमारा क्या बनता है बच्चे, इन्फिनिटिव। ठीक है, और इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फिनिटिव के केस में टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन। एक हमारा टू जब हमारी प्रेपोजिशन का काम करती है, जब जब टू प्रेपोजिशन का काम करेगी तो इसके जस्ट बाद हमें लगाना होता है आई एन जी। क्लियर, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप पहचान कैसे करोगे। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो बीच में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, और वी के बाद देखिए ध्यान से आर हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये आर हेल्पिंग वर्ब है तो लुकिंग हमारी क्या होगी, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन। अगर ये टू प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर जो सी है इसके आगे आपको आई एन जी फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जेरेंड है। पूरी इंग्लिश में हर प्रेपोजिशन अपने बाद जेरेंड लेती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर गाइज, तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हुआ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो ये आपका क्वेश्चन था, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, देखिए, मैथ इज हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। बच्चों दो सुपरलेटिव डिग्री भी तो हम इकट्ठी यूज नहीं कर सकते, टफ शब्द की जो डिग्री बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री, जो सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं उनकी डिग्री हमेशा ई एस टी और ई आर लगा के बनती है। तो यहाँ पर जो टफेस्ट लिखा है इसमें ऑलरेडी ई एस टी लगा हुआ है, और अगर ये ऑलरेडी ई एस टी है तो मोस्ट यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सुपरफ्लूअस बना रहा है, और इसीलिए यहाँ पर ये एरर हो जाएगी कि भाई मोस्ट टफेस्ट नहीं बोलेंगे। टफेस्ट बोलने का मतलब ही क्या है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। क्लियर गाइज, तो यही आपकी एरर थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिडंट से द दैट ही विल ब्रिंग द बुक्स टुमैरो, डिड ही। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बात हमारी पास्ट टेंस में चल रही है, डिड। अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर विल पॉसिबल कैसे हुआ, तो एरर कर दो कि विल नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा, और यही आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिंग्विस्टिक्स आर माई फेवरेट। अगर हम बात करेंगे पूरी इंग्लिश में, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स नेम होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे नाउन के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ये ख़त्म होते हैं एस सी आई एस पे, जैसे कुछ गेम्स के नेम है, कुछ बीमारियों के नेम है, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं, राइट। तो ये ज़रूर एस सी आई एस पे ख़त्म होते हैं, बट ये हैं तो एक सब्जेक्ट नेम, और सब्जेक्ट नेम के आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो आर नहीं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज करेंगे, और यही आपकी एरर है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, इट इज़ रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। बच्चों आप इस सेंटेंस को इमेजिन करो कि सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। अगर इस एक्शन को बोला जाएगा तो 8 बजे से पहले ही बोला जाएगा, 8 से पहले बोला जाएगा या 8 के बाद बोला जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है तो कॉमन सेंस क्या है कि सपोज करिए मैं इस बात को आपको बता रही हूँ 12 बजे, ठीक है, 12 बजे मैंने बताया कि 8 बजे से बारिश हो रही है, तो 8 कब बजे होंगे, इससे पहले बजे होंगे, ये 8 बज गई। 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे पूरे हो चुके हैं, और 5th is going on। तो ये जो टेंस है बच्चे हमारा, यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो चल रहा ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बारिश अब भी हो रही है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, जो एरर है आपकी वो ये है कि इज़ रेनिंग की जगह पे लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग, इज को रिप्लेस कर देंगे हैज़ बीन से, रेनिंग आगे दे ही रखा है। क्लियर गाइज, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ लें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ नो अफेक्शन विद एनीबडी। अफेक्शन फोर होता है बच्चे हमेशा, जब जब हम बात करते हैं किसी के प्रति प्यार होता है हमारा, किसी के लिए प्यार होता है तो वहाँ पर हम हमेशा यूज़ करते हैं अफेक्शन फोर, तो यही आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ नीदर रवि नोर हिज ब्रदर इज़ विलिंग टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, तो हम पेरेंट्स को टेक केयर करते हैं, केयरिंग नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर आपको हर प्रेपोजिशन के बाद जेरंड बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, केयरिंग की जगह पे केयरिंग फॉर, इस सारे की जगह पे लिखेंगे टेकिंग केयर ऑफ, टेकिंग केयर ऑफ देयर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, तो यही आपकी एरर थी, टेकिंग केयर ऑफ, क्लियर गाइज, क्योंकि हमें प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाना था, जेरंड लगाना था। इतनी बात समझ में आई, और ये था हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं, इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सेशन लेके आई हूँ, एंड ट्रस्ट मी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लियर गाइज, आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन, टिल द टाइम यू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।